रोजमर्रा की चल रही जिंदगी में हमारे साथ कुछ भूतिया घटनाएं होती रहती हैं। बस हम इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कभी कभी अचानक पर्दे का हिलना, या कभी अलमारी से होने वाली आवाज, या किसी चीज का अपने आप गिर जाना। यकीन मानिए, हमारे आसपास हमेशा कोई होता है जो अपनी मौजूदगी का हमें एहसास करवाता रहता है। आज की कहानी ऐसी ही कुछ घटनाओं पर आधारित है। नमस्कार, माय टाउन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 234। रवि जो गांव से शहर नौकरी की तलाश में आया था, इसी साल रवि ने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी। घर के हालात ठीक ना होने के कारण वो आगे पढ़ भी नहीं सकता था। इसी को देखते हुए रवि ने कोई छोटी मोटी नौकरी करके घर चलाने का फैसला लिया था। रवि के घर में माँ और उसकी दो बहनें थीं। पिता का बहुत साल पहले देहांत होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब रवि के सर पर थी। शहर में आकर रवि को एक ऑफिस में नाइट शिफ्ट में वॉचमैन की नौकरी मिल गई, और ऑफिस से थोड़ी ही दूर एक पुराने से घर में रवि ने रूम भी ले लिया। शहर से थोड़ा दूर होने की वजह से वहां कोई नहीं रहता था, और किराया कम होने से रवि को रूम सही लगा। घर को देखने से लगता था मानो कई सालों से वहां कोई नहीं रहता हो, पर रवि ने इन सब चीजों को नजरअंदाज करके रूम ले ही लिया, क्योंकि पूरी रात ऑफिस में रहना और बस दिन में ही रूम पर आना था, तो रवि ने इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दिन भर उस घर की साफ सफाई में बीत गया, और अगली रात से रवि को अपनी नाइट शिफ्ट पे जाना था। उस रात रवि जल्दी खाना बनाकर और खाकर सो गया। लगभग रात के 12 बजे साथ वाले रूम से आती एक आवाज से रवि की आंख खुली। अलसाया हुआ रवि उठा और पूरे कमरे को चारों ओर देखने लगा। आवाज उसके सामने वाली दीवार से आ रही थी। यूं ही देखने के लिए रवि उठा और दीवार के पास आकर खड़ा उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। उस आवाज को सुनने से ऐसा लग रहा था मानो कोई अपने हाथों के नाखूनों से जोर जोर से खुरच कर दीवार को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। कि तभी कुछ गिरने की आवाज के साथ ही लड़ती हुई दो बिल्लियों की आवाज आने लगी। ये सुनने के बाद रवि वापिस आकर एक बार फिर सो गया। अभी रवि को सोए थोड़ा ही समय हुआ था कि किचन में बर्तन गिरने की आवाज एक बार फिर हुई। रवि उठा और चिढ़ता हुआ, अरे यार ये बिल्लियां, उफ। ये कहता हुआ रवि कंबल ओढ़कर एक बार फिर सो गया, और जब आंख खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। रवि ने उठकर नहा धोकर ब्रेकफास्ट किया और बाहर टहलने लगा, क्योंकि सारा दिन आज रवि को बस सोना ही था ताकि अगली रात को वो अपनी नाइट शिफ्ट कर सके। बस यही सोचकर रवि घर के बाहर बने छोटे से गार्डन में टहलने लगा। थोड़ी देर टहलने के बाद रवि अंदर अपने रूम की तरफ आया, तो रात की उन आवाजों के बारे में सोचता हुआ अपने रूम के दूसरी तरफ वाले रूम को बस देखने के लिए ही उस तरफ चल पड़ा। रवि उस कमरे के पास पहुंचा तो दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। उस ताले को देखकर लग रहा था मानो काफी समय से ये दरवाजा खुला ही नहीं था। रवि ने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की, पर खिड़कियां भी अंदर से बिल्कुल बंद थी, तो रवि वापस अपने रूम में चला गया।
थोड़ी देर पलंग पर लेटने के बाद रवि की कब आंख लगी उसे पता ही नहीं चला कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज से उसकी आंख खुली। टाइम देखा तो 7 बजे हुए थे। उठकर देखा तो दरवाजा खुलने की आवाज तो रवि ने सुनी थी, पर हैरानी की बात ये थी कि इस पूरे घर में रवि के अलावा और कोई नहीं रहता था। और दरवाजा जैसे रवि ने बंद किया था, दरवाजा अभी भी बंद था। इस पर ज्यादा ध्यान न देकर रवि जल्दी से उठा और नहा धोकर खाना खाकर अपनी नाइट शिफ्ट के लिए निकल गया। आज काम पर रवि का पहला ही दिन था तो वो लेट नहीं होना चाहता था। ऑफिस घर से लगभग 20 मिनट की दूरी पर था। सड़क पर तेजी से चलता हुआ रवि अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था तो सड़क पर दूसरी तरफ जाती हुई उसे एक लड़की दिखी जो बिल्कुल धीरे धीरे सर झुकाए हुए उसी तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर रवि कुछ सोच में पड़ गया क्योंकि जिस तरफ से वो आ रही थी ये रास्ता उसी घर को जाता था जहां रवि ने रूम लिया था। और सोचने वाली बात ये थी कि रवि के रूम के घर के आगे ना ही कोई और घर था और ना ही और कोई रास्ता। पर रवि को अभी काम पर जाने की जल्दी थी तो ज्यादा ना सोचकर वो आगे चला गया। 8:55 पर रवि अपने ऑफिस के बाहर पहुंचा जहां खड़ा वॉचमैन उसका ही इंतजार कर रहा था। उसे थोड़ी देर सब काम बताया और ऑफिस की चाबियां देकर अपने घर चला गया। अब सुबह 6 बजे तक रवि को यहां रहना था। तकरीबन रात के 10 बजे हुए थे और रवि गेट के बाहर चेयर पर बैठा इधर उधर देख रहा था कि रवि को सुनसान सड़क पर वही लड़की जो घर से आते आते दिखी थी एक बार फिर से दिखी। उसी धीमी धीमी गति में वो बढ़ती हुई रवि के ऑफिस के सामने वाली खंडहर पड़ चुकी एक बिल्डिंग के अंदर चली गई। रवि को यहां की ज्यादा जानकारी ना होने की वजह से वो चुपचाप अपनी चेयर पर बैठा रहा। यही सोचता हुआ रवि कि इस खंडहर बिल्डिंग में से कहीं रास्ता जाता होगा, बस अपने काम में लग गया। तकरीबन 3 बज रहे थे। रवि उसी चेयर पर बैठा इधर उधर देख रहा था कि एक बार फिर वही लड़की जिसको रवि ने अभी अभी खंडहर में जाते देखा था वो फिर सड़क से धीरे धीरे आई और फिर उसी खंडहर पड़ी बिल्डिंग के अंदर चली गई। ये देखकर रवि को अब थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि रवि ने अपनी आंखों से उस लड़की को पहले भी अंदर जाते देखा था तो फिर से ये लड़की बाहर से अंदर कहां जा रही थी। यही सोचता हुआ रवि उस बिल्डिंग की तरफ देखता रहा। अभी रवि बैठा उस बिल्डिंग की तरफ देख ही रहा था कि तभी बड़ी बड़ी आंखें करता हुआ रवि अपनी चेयर से उठा क्योंकि एक बार फिर वही लड़की सड़क से सिर झुकाए हुए धीमी गति में उसी खंडहर पड़ चुकी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थी। बार बार यही देखकर रवि अब थोड़ा डर चुका था, इसीलिए बाहर से रवि अंदर गेट के पास बने कैबिन में चला गया। इसके बाद वो लड़की रवि को सुबह तक कहीं नहीं दिखी। सुबह मॉर्निंग शिफ्ट का वॉचमैन आया और रवि अपने रूम को चला गया। रास्ते में जाते हुए भी रवि हर तरफ उसी लड़की को देखते हुए चल रहा था कि आखिर कौन थी वो लड़की। यही सोचता रवि अपने रूम में पहुंचा। आंखों में काफी नींद होने की वजह से आते ही रवि सो गया। तकरीबन दोपहर के 12 बजे फिर से आती उसी आवाज से रवि की आंख खुली। रात को ना सोने की वजह से काफी थका हुआ रवि गहरी नींद में था तो फिर पलट कर सो गया।
कि तभी फिर से वही आवाज एक बार फिर होने लगी। अब आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। एकदम बड़बड़ाता हुआ रवि उठा और दीवार के पास आकर हाथ मारते हुए चिल्लाता हुआ बोला, अरे यार क्या है ऐसा, यहाँ इन बिल्लियों ने परेशान कर दिया। थोड़ी ही देर आवाज बंद हुई और जैसे ही रवि पलट कर वापिस सोने को हुआ, एक बार फिर वही आवाज दीवार के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने लगी। रवि ये सुनकर थोड़ा हैरान होकर उसी दीवार की तरफ देखने लगा, क्योंकि ये आवाज इस तरह हो रही थी मानो कोई एक कोने से नाखून से खुरचता हुआ दीवार के दूसरे कोने तक जाता और फिर वापस आ रहा था। रवि दीवार को कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा कि तभी ये सुनकर रवि डर से आंखें बड़ी बड़ी करता हुआ पीछे हुआ और हड़बड़ाता हुआ बोला, कौन है वहां? ये कहता हुआ रवि दरवाजा खोलकर बाहर उसी रूम की तरफ देखने के लिए भागा। दरवाजे पर पहुंचा तो अभी भी उस दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। ये देखकर रवि घर से निकलकर घर के पीछे गया, ये देखने कि शायद पीछे वाली खिड़की से कुछ दिखेगा। पर घर के पीछे आकर देखा तो उस कमरे की सारी खिड़कियां बंद थी। रवि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था। सारा दिन रवि बस यही सोचता रहा कि ये जो भी हुआ था ये हकीकत में था या उसका कोई बहम। शाम हुई तो रवि अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हर तरफ देखता हुआ रवि अब इन सब घटनाओं से डर चुका था। आज रवि गेट पे बने कैबिन में बैठा रहा। नींद पूरी ना होने के कारण रवि को वहां बैठे बैठे नींद भी आ रही थी। रात के 1 बजे तक सब ठीक रहा, पर तभी रवि के सामने पड़े टेबल से अपने आप एंट्री बुक नीचे जमीन पर गिरी, जिससे एकदम रवि नींद से जागता हुआ इधर उधर देखने लगा तो सामने वही लड़की सड़क पर धीरे धीरे उसी बिल्डिंग की तरफ जा रही थी। हर दिन रवि इन सभी चीजों से परेशान हो चुका था। बाहर निकलकर रवि ने आवाज लगाकर उस लड़की से पूछा, अरे मैडम कहाँ जा रहे हो, रास्ता भूल गए हो क्या? सुनसान रात में चारों तरफ गूंजती रवि की आवाज मानो उस लड़की को सुनाई ही न दी हो। बिना कुछ सुने वो लड़की धीरे धीरे उस बिल्डिंग के गेट के अंदर चली गई। ये सब देखकर अब रवि को जानना ही था कि आखिर इस खंडहर पड़ चुकी बिल्डिंग के अंदर ऐसा है क्या। रवि इधर उधर देखता हुआ उसी बिल्डिंग की तरफ पढ़ने लगा। गेट पर पहुंचकर रवि ने एक बार फिर आवाज लगाई, कोई है यहाँ? हेलो कोई है? पर बिल्कुल सन्नाटे में गूंजती रवि की आवाज के अलावा वहां और कोई नहीं था। रवि वापस आकर गेट के कैबिन में बैठ गया। सुबह हुई तो दूसरे वॉचमैन से रवि ने उस खंडहर पड़ चुकी बिल्डिंग के बारे में पूछा तो उसने बताया, ये बहुत पहले एक कॉल सेंटर हुआ करता था और फिर बंद हो गया। इससे ज्यादा जानकारी उस दूसरे वॉचमैन को भी नहीं थी, तो जितना उसे पता था उतना रवि को बता दिया। अगले दिन रवि का पीक ऑफ था तो रवि ऑफिस से सीधा बाजार की तरफ कुछ सामान लेने चला गया। शाम तक बाजार में घूमने और सामान लेने के बाद लगभग 4 बजे रवि रूम पर पहुंचा। घर का सारा काम करके रवि यही सोचकर थोड़ी देर सो गया कि बाद में उठकर रात का खाना बनाएगा। तकरीबन 8 बजे रवि की नींद गई।
उठकर और खाना बनाकर रवि अपने पलंग पर बैठकर कुछ पढ़ रहा था कि तभी एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। ये आवाज उसी रूम से आ रही थी जिस रूम की आवाजों से अभी तक रवि परेशान था। ये रोने की आवाज बिल्कुल बच्चे के रोने जैसी लग रही थी, पर बिल्ली की आवाज समझकर रवि दीवार के पास आकर अपने हाथों से मारकर उसे भगाने की कोशिश करने लगा। पर आवाज बंद होने के बजाय और ज्यादा आने लगी और ये आवाज बच्चे के रोने की थी। रवि कुछ समझ पाता कि एक चोर की आवाज से दरवाजा खुला और दरवाजे के खुलते ही बच्चे की रोने की आवाज बंद हो गई। ये सुनते ही रवि देखने के लिए बाहर भागा। और रवि अपने रूम का दरवाजा खोलकर अभी आगे बढ़ा ही था कि उसके बिल्कुल सामने से वही लड़की धीरे धीरे उसी रूम की तरफ से आई और बाहर की तरफ निकल गई। ये सब देखकर रवि का मानो शरीर सुन्न पड़ चुका था। बिना कुछ बोले रवि बस चुपचाप अपने रूम के दरवाजे पर खड़ा ये सब देखता रहा। घर से बाहर सड़क पर वो लड़की धीरे धीरे आगे चली गई। रवि जल्दी से अपने रूम का दरवाजा बंद करके चुपचाप सा अपने पलंग पर बैठ गया। पहले दीवार पर होती आवाजों और अब ये लड़की और बच्चे के रोने की आवाज से रवि को समझ आ चुका था कि ये जो भी हो रहा है ये नॉर्मल बात तो नहीं है। बिना खाना खाए रवि डरा हुआ कंबल ओढ़कर सो गया। तकरीबन रात के 1 बजे रवि के कान के पास होती एक आवाज से रवि की आंख खुली। जरा सी आंख खोलकर रवि की फिर से आंखें अभी बंद हो ही रही थी कि उसके कानों के बिल्कुल करीब किसी ने बोला, ये सुनते ही रवि एकदम हड़बड़ाता हुआ उठा और चारों ओर देखने लगा, पर वहां रवि के अलावा और कोई नहीं था। लंबी लंबी सांसें भरता हुआ रवि ये सुनकर काफी डर चुका था कि तभी एक बार फिर से उसी रूम से किसी बच्चे के रोने की आवाजें आने लगी। अब रवि को डर के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। रवि उठा और गुस्से से दरवाजा खोलकर उसी कमरे की तरफ जाने लगा। दरवाजे के सामने पहुंचकर देखा तो दरवाजे पर अभी भी ताला लटक रहा था। ताले को छूने के लिए रवि ने अभी हाथ बढ़ाया ही था कि अंदर की तरफ से किसी ने दरवाजा खटखटाया। ये सुनकर डर से रवि का खून तक सूख गया कि तभी बच्चे के रोने की आवाज के साथ साथ ही दरवाजा अंदर की तरफ से जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगी। डरा हुआ रवि जोर से चिल्लाते हुए पूछने की कोशिश करने लगा, कौन है वहां? रवि के ऐसा पूछते ही सभी आवाजें एकदम से आना बंद हो गई। रवि चुपचाप उठा और अपने रूम की तरफ चला गया। रवि अपने रूम पर पहुंचा और दरवाजा बंद करने को अभी हुआ ही था कि एक डरावनी सी आवाज के साथ उसी रूम का दरवाजा खुला और बंद हो गया। ये देखने के लिए रवि फिर से बाहर आया
और उसी रूम की तरफ देखा तो अभी अभी जो दरवाजे पे ताला लटक रहा था वो खुल चुका था। ताला खुला हुआ फर्श पर गिरा था। आधा खुला हुआ दरवाजा देखकर रवि डरते हुए अंदर झांका तो कमरे में लगे पलंग पर एक लड़की गोद में बच्चे को लिए बैठी हुई थी। सिर झुकाए हुए लड़की बिल्कुल बिना हिले ढुले बस उस बच्चे को देखे जा रही थी। दरवाजे से देखते हुए रवि का जरा सा हाथ दरवाजे पे लगा जिससे दरवाजा पूरा खुल गया। एक भयानक चीख के साथ वो लड़की उठी और रवि की तरफ बढ़ी। दूसरे ही पल वो लड़की खून सी आंखें लिए रवि के बिल्कुल सामने खड़ी थी। दूसरे दिन जब रवि को होश आया तो वो उसी रूम के बीचों बीच पड़ा था। नाखूनों से खून निकलता हुआ रवि दर्द से कराहने लगा। सामने दीवार की तरफ देखा तो पूरी दीवार उखड़ चुकी थी। उस दीवार के अंदर से किसी का कंकाल लटका हुआ साफ साफ दिख रहा था। रवि ने ऑफिस में कॉल करके सारी बात बताई तो रवि का एक साथी वॉचमैन पुलिस के साथ वहां पहुंचा। पूरी छानबीन की गई। घर के ओनर को बुलाया गया तो उनका बताना था इसी इलाके में बहुत पहले एक कॉल सेंटर में काम करने वाले राजेश ने रानी के साथ भागकर शादी की थी जो यहाँ रहने आए थे, पर अचानक एक दिन रानी राजेश को छोड़कर कहीं भाग गई। इसकी रिपोर्ट राजेश ने पुलिस स्टेशन में भी दी थी पर उसका कोई पता नहीं चला। घर के ऑनर के बताने पर राजेश को बुलाया गया। पुलिस की अच्छी पूछताछ के बाद आखिरकार राजेश ने सच बता दिया। राजेश और रानी यहीं ऑफिस के सामने उस खंडहर पड़ चुकी बिल्डिंग में जब वहां कॉल सेंटर हुआ करता था वहीं मिले थे। उन दोनों में प्यार हुआ। रानी राजेश के साथ बहुत सपने सजाए बैठी थी पर राजेश बस उसका फायदा उठा रहा था। रानी भी इसी शहर में अपनी फ्रेंड्स के साथ रहती थी तो उन दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया और लिविंग में इसी घर में रहने लगे। पर एक दिन उन दोनों को पता चला कि रानी प्रेग्नेंट हो चुकी है। राजेश ने रानी को बच्चा गिराने को बहुत बार बोला पर रानी इस बात के लिए कभी तैयार नहीं हुई। काफी लड़ाइयां होती थी। एक दिन गुस्से में राजेश ने रानी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और इस बात को छुपाने के लिए इसी कमरे की दीवार में उसे चिन दिया। यहां दूर दूर तक और कोई घर नहीं था तो किसी को पता भी नहीं चला और एक छोटी रिपोर्ट पुलिस में लिखवा कर ये बता दिया कि रानी भाग गई। इसके बाद राजेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और रानी और उसके साथ उसके बच्चे की अस्थियों को उनके घर वालों के हवाले कर दिया। आज इस बात को 5 साल हो चुके हैं और रवि आज भी उसी घर में रहता है पर अब उसे कोई भी आवाजें सुनाई नहीं देती। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।